ये फिल्म को सभी ने प्रमोट किया है, प्रधानमंत्री से लेके अ कॉमन मैन. काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं मेरे मूवी में, सो ऑफ कोर्स फॉर माय मॉम इट विल बी मोर डिफिकल्ट. तो सब इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं, यू नो इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म. ये शुरुआत है, आई डोंट नो अंत कहाँ होगी. आई होप वी हैव क्रिएटेड समथिंग दैट विल रियली हेल्प वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टेररिज्म के खिलाफ. जी थैंक यू. जी जी चाहिए देख के. तो जब आपके लाइफ में जो कि आपको प्रोफेशन आप काम करती हैं लोग कहते हैं ये फिल्म जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये. आई नो. तो एज अ एक्टर क्या फील करती हैं? अनरियल लगता है. आई थिंक ये फिल्म को सभी ने प्रमोट किया है, प्रधानमंत्री से लेके अ कॉमन मैन. लाइक यू सर इंटरनेशनली भी कितने लोग एक्टिविस्ट ने कितना सब कुछ लिखा है, बिकॉज वहाँ पे भी टेररिज्म इज़ अ प्रॉब्लम, लाइक इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम. एंड आई वॉज रीडिंग दिस गर्ल नायोमी व्हाट शी हैड रिटन ऑन ट्विटर एंड इट वॉज सो वेल वर्डेड. इतने डेप्थ से उन्होंने मूवी देखी है. And she said it's so cool that they're promoting the awareness of it. So I'm so happy even internationally. जो भी देख रहा है मुझे, I mean, an अच्छा लगता है. Of course, as an actor, बहुत अच्छा लगता है. What else can you say? जी जी सी आपने मूवी देखी एंड मैं काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं मेरे मूवी में, सो ऑफ कोर्स फॉर माय मॉम इट विल बी मोर डिफिकल्ट देन आई थिंक एनी अदर मॉम. पर आई थिंक जिसके अंदर भी ह्यूमैनिटी है, लड़की हो या किसी की माँ हो, किसी एनीबॉडी एनी पर्सन जिसमें ह्यूमैनिटी है, जो केरला से बिलोंग करते हैं या नहीं, लाइक आई सेड हम लोग वी आर एबल टू टच गॉड्स इंटरनेशनली ऑल्सो विद पीपल. सो आई थिंक या फिल्म लाइक दिस It's nice that you're able to, from a young girl to her mother, that whole age group, you're able to touch everybody. I think that's nice. I hope, see, for an actor, jitne crore ho rahe, it just means ki itne sare footfalls hai, itne sare log aur ja rahe hai theater mein dekhne ke liye. Achha lag raha hai jab log kehte hai ki chauthi baar hum log dekh rahe hai aapki film. Logon ko dialogues yaad hai, scenes yaad hai in great detail. To sab is film का हिस्सा बन चुके हैं, यू नो इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म. इट फील सो नाइस. नहीं तो सक्सेस छोटा रहता है, वैसे इज जस्ट माय सक्सेस, बट नाउ द सक्सेस इज एवरीबडी सक्सेस, लाइक सब मिलके सक्सेस मना रहे. तो या इट्स बेस्ट पार्ट क्या होता है आपके लिए जब से ये फिल्म का आई थिंक इस फिल्म के लिए आई डोंट नो अभी लास्ट क्या होगा. शायद यही शुरुआत है, यही एक स्टार्ट करेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स स्पोक अबाउट इट, केम आउट सेड दैट ओके यू सेड योर स्टोरीज. जो रियल लड़कियाँ हम लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके भी आए, सो दे ऑल्सो फेल्ट कि अभी ये फिल्म आई है, पीपल आर गोइंग फॉर इट, हम लोग भी अपनी कहानियाँ सुनाएंगे. सो आई फील शायद ये शुरुआत है. आई डोंट नो अंत कहाँ होगी. आई होप वी हैव क्रिएटेड समथिंग दैट विल रियली हेल्प one step in the right direction terrorism ke khilaf. And each step feels very special. I don't know how to choose which step, but yeah. Real ladkiyon se jab aapne mulaqat ki press conference aapke aur bhi jo kirdar character the woh ki tareef ki bahut hi acche se inhone kar liya hamare kirdar ko. Ji shooting se pehle bhi aapne unki mulaqat hui thi. Ji kuch workshop bhi hua tha, unhone apna kya output input diya ki hamare sath aisa aisa hua. Like they said, ना अभी वीडियो सबके लिए है जो है, दे टोल्ड यू देयर स्टोरीज एंड पर्सनली भी ऑफकोर्स वी मेट दैम बिफोर, वी मेट दैम ड्यूरिंग. मैंने श्रुति की बुक भी पढ़ी थी एंड जो इंस्टेंसेस उन्होंने कहा था तब, एंड आई वॉज लाइक माई गॉड आई कॉन्ट बिलीव कि ये हो रहा है. एंड ऑल्सो क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल से कि एडुकेटेड लोग हैं तो कैसे हो सकता है, अगर आप एडुकेटेड हो तो कैसे. बट आई फील कि प्यार में तो कोई भी पढ़ सकता है ना, इवन अगर आपके बहुत डिग्रीज है और आप बहुत ही क्वालिफाइड हो, प्यार में कोई भी पढ़ सकता है. अब भरोसा तो
बिकॉज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सपोज हाई है, ऐसा नहीं है कि आप भरोसा नहीं करोगे किसी पे. एंड दिस इज अ मूवी अबाउट जैसे वो प्यार में भरोसा आपका टूटता है, द मूवी इज अबाउट दैट, कैसे उसका एडवांटेज लिया जाता है. इट्स नॉट कि किसी ने यू नो कैसे वो फंस गई, इट स्टार्ट्स ऑफ विद दैट. इट्स जस्ट छोटी सी चीज़ है, ट्रस्ट. सो या आई थिंक